हर दिन में कुछ ना कुछ खास रहता है भैया, आज भी कुछ ना कुछ खास होगा। बताइए आपको ये लड़की मतलब आरजे ज्योति इतिहास के पन्नों में। तो चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में, यानी कि 19 फरवरी क्या क्या है खास। तो सबसे पहले आज इतिहास में हम बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका की। आपको बताएं दोस्तों, 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ और 1997 में चीन में जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, यानी कि चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए पहचानी जाने वाली डेंग शियाओपिंग की मौत आज हुई थी, यानी कि 19 फरवरी को। और इसी तरह आगे बात की जाए थॉमस एडिसन के ईजाद किए गए फोनोग्राफ की, तो 1878 में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट भी करवाया। और आज हुआ था इतिहास में एक अभिनेत्री का जन्म, यानी कि फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया का जन्म 1964 को हुआ था। और आखिर में इतिहास के पन्नों से, 1978 में बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का निधन हुआ था। तो ये थी इतिहास के पन्नों से कुछ खास बातें। कल फिर लौटेंगे इन्हीं खास बातों के साथ, तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़।